नमस्ते, मेरा नाम है रचित पवार। अपने साथ जुड़ चुके हो इस स्टूडियो के माध्यम से। जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रही है योगिक साइंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, और हम हैं HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी चौरास कैंपस में। आज हम जा रहे हैं अष्टवक्र टेम्पल, और मेरे साथ है विमल, और इसके अलावा मेरे साथ है अमन और रोहित, और इसके साथ मेरे पास मेरा प्यारा भाई है जिसका नाम है अमित वर्मा, और हमारे साथ एक और लड़की जा रही है जिसका नाम स्वेच्छा है, उसको आप पुरानी वीडियोस में मिल चुके होंगे। हम जा रहे हैं HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से अष्टवक्र टेम्पल, और आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये देख लीजिए, ये कुछ बंदर हैं जो आगे चल रहे हैं। ये स्मार्टी बॉय है, और ये तो बंदर ही है, ये हमेशा बंदर रहेगा, 24 घंटे मेरे से लड़ते रहता है। अभी थोड़े पहले भी कर रहा था, और बाकी ये दोनों स्मार्टी बॉय, तो ये चारों है स्मार्टी बॉयज। और अब हम मिलेंगे शिक्षा से थोड़ी देर में। अमित, देख लीजिए हम गेट की तरफ बढ़ते हुए, और ये है HNB का BT हॉस्टल, और ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट टूरिज्म का है। हम चलते जा रहे हैं, थक गए हैं पर चलते जा रहे हैं, अभी से थक चुके हैं हम। वैसे तो अभी तक नहीं, पर सुरकुंडा ज़्यादा है बे। हाँ, सुरकुंडा, सुरकुंडा इतना थोड़ी है, वहाँ से घूम घूम के थोड़ा चला है। चौरास पुल जस्ट सीधे से हम आपकी इधर आ रहे हैं, और मैंने चॉकलेट खा लिया, और ये है रोहित जो कंजर जान है, ये तो अमन है, और ये है विमल, और ऊपर की तरफ चल रहे हैं हमारे स्मार्टी बॉय, वो तो आप जानते होंगे बिहारन को। और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, और थोड़ा सा चलने हैं। मैं कुछ बोला? हाँ, नहीं बोला, वीडियो रिकॉर्ड हो गया। मैं नहीं बोला यार। घर के जस्ट बगल से हम जाएंगे यहाँ से, और ये रास्ता है। पहले हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, पर जाना ही से है। वो देखिए, ओह यहीं तक चले हैंकर, अभी से थकान शुरू। ये पूरा HNB का कैंपस है जहाँ तक नज़र जा रही है। हम गांव के बीच से जा रहे हैं, और यहाँ से हम चलते जा रहे हैं गांव के रास्ते। ये HNB GU मुझे बहुत पसंद आता है ये पूरा HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का चौरास कैंपस, चौरास परिसर, जो काफी बड़ा लगता है बट छोटा सा है। ये गांव है, और गांव के बाटू बाटू हम आ रहे हैं। हाँ, ढक्कन ले, देखिए गांव के बाटू बाटू हम जा रहे हैं। अभी बाटू बाटू मतलब छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं, बटिक मतलब गांव के बगल से, गांव बटिक जाना चाहो। सब चल रहे हैं वहाँ, सब दिख रहे हैं। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि हम कौन से गांव से जा रहे हैं, गांव के जस्ट बगल से जा रहे हैं, जिस गांव का नाम है रेवड़ी। और ये है रोहित, और रेवड़ी गांव से जा रहे हैं। और आंटी जी ने बताया कि आगे जो सिकोट है, सिकोट से पहले जितने भी गांव पड़ते हैं और पीछे के जितने भी गांव पड़ते हैं, वो सब रेवड़ी में आते हैं, और एक ग्राम सभा है। जैसे कि हमारा ग्राम सभा कोटी था, पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, वैसे ही रेवड़ी भी ग्राम सभा है। तो चलिए आगे देखते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए। हाँ, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि नीचे से अगर आप देखना चाहोगे तो अप्रॉक्स 6.30 किलोमीटर तक का ये ट्रैक है, और ट्रैकिंग करते हुए आप जा सकते हो, आपको मस्त पहाड़ों के रास्ते से गुजरने को मिलेगा। क्या बोला?
नहीं मस्ती लड़के कर लेते हैं, लड़कियाँ नहीं कर पाती। लड़कियाँ कर लेते हैं, लड़कियाँ नहीं कर पाती, उल्टा अपोजिट। और हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। हम पहली रोड में पहुँच गए हैं, और जो ये है खिरसू रोड। थकान की वो शक्ल, थोड़े खतरनाक रास्ते से हम आ गए और इन दोनों के फट चुके हैं हम। ये है कांटे वाले करौंदे के पेड़ जिसका अचार बनता है, और वो है पूरा श्रीकोट। बस अगर ना शिक्षा, ये श्रीकोट है पूरा। जैसे कि हमने एक क्रॉस कर ली थी रोड, अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ थोड़ा रास्ता खतरनाक है, और हम दूसरी रोड भी क्रॉस करने वाले हैं। और दूसरी रोड के बाद हमें पानी की टंकी दिखेगी, और उस पानी की टंकी के बाद हम थोड़ा सा पैदल चलेंगे और शायद हम पहुंच जाएंगे। प्लीज़ यार, इस गरीब को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। तो फाइनली वी गॉट अनदर रोड, और हम वहाँ से हम पहाड़ चढ़ के आ गए, और हमें रोड मिल गई है। लगनियाँ थी, उसके बाद हम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे चलेंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये हैं सारे लोग, थकान हो चुके हैं, सब मस्त थक चुके हैं, बट यू नो घूमने का जज्बा अभी भी इनके अंदर है। देखिए व्यू, देखिए बहुत बढ़िया है। अभी वीडियो बनने लगी, क्या हुआ यार? Hey Shreksha, do you have to say something to my viewers? बोल दे, मौका दे रहा हूँ। चलो मेरे भाई, कुछ बोलना चाहोगे? सब्सक्राइब करें अंशो। ए माजी, डोगरी में बोल, डोगरी में बोल। सब्सक्राइब करें। टू सब्सक्राइब मैन। चीज की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अमित। अमित कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अमित, क्या बोल रहे थे, कौन सा गाने गा रहा था? धीरे धीरे करके हम चलते जा रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं पर चलते जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं आगे है, आगे है, आगे है, और कहाँ है हमें भी नहीं पता। तो ये हूँ मैं, और मेरे साथ है कुछ चमगादड़ लोग। यार वीडियो से कौन बैठे? कुछ थकते हुए लोग। तो हम यहाँ से चलते जा रहे हैं, और हम शायद पहुँच गए हैं, आई गेस। चलते 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 हम पहुँच ही गए हैं, शायद हम पहुँच गए हैं। यह है श्री अष्टावक्र महादेव का पौराणिक एवं सिद्ध मंदिर। यहाँ से ऊपर सिर्फ 1 किलोमीटर है। इस इंसान की फट चुकी है लिटरली।
हेलो तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के जस्ट नीचे और जस्ट 1 किलोमीटर हमें चलना है, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ऊपर। तो आपका क्या कहना है सुरक्षा आज की ट्रिप के बारे में? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है आपको? हाँ। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, नहीं तो लिट्टी चोखा खिला देगी है। शुरुआत काफ़ी अच्छे से देख लीजिए, लोगों ने अपने गांव छोड़ दिया और पुराने घरों का क्या हाल हो रखा है। तभी बोलते हैं कि हाँ ये पुराने घर है, सच्ची पुराने घर है। हमारे अभी गांव में ऐसी देखो, यहाँ के पुराने घर टूटे फूटे जो गायब हो चुके हैं। ऐसा हमारे भी तो है गांव में ऐसी, ये देख ऐसा घर तो देख इधर से कितना अच्छा लग रहा है और उधर से फूल टूट रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं, ये गाँव का शायद मंदिर है या फिर जो भी है, और ये गांव का नाम खोला है, खोला गांव। पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इसे कहते हैं नौला, ये गांव का कुआं टाइप होता है जहाँ पानी होता है खुद से। हाँ। ये देखो गांव के बीच इतना बड़ा पीपल का पेड़। वाह वाह। नौले के बगल में जो वो है नल, वहाँ से लोग पानी भर रहे हैं पीने का। ये लोग मैं क्यों नहाऊं? मैं तो घर जाके नहाऊंगा सीधा। ओ गांव के बाटू बाटू हम ऊपर जा रहे हैं, अब गांव के बाटू हम ऊपर जा रहे हैं और जाके हम मंदिर जा रहे हैं। कुछ क्रेजी करो यार, कनकांडा लेकिन तेरे कपाल मा कुछ है तू। जैसे कि आपको पता ही है कि हम चौरास से पैदल पैदल चलते चलते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं और उसके बाद हम जाएंगे तारक मंदिर। हम चलते जा रहे हैं, चलो चल। तो वो तो कहाँ दिख रहा है? उतरा। हाँ दिख तो रहा है। ये अमित पूरी बोतल घटकाते हुए ये एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली लड़की जो बोतल नीचे फेंकने की बात कर रही है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं महादेव के मंदिर और मंदिर के सामने से एक मस्त व्यू पॉइंट श्रीनगर। अष्टवक्र महादेव, चल शिक्षा आगे चल। जय हो जय हो जय हो। देखो कट कर, मैंने उसे उसको इतना देखा। मैं काली तो ये देखिए इस तरीके का मंदिर का परिसर है, ठीक है, और मंदिर के परिसर से काफ़ी अच्छा व्यू आपको दिख जाता है नीचे का, और यहाँ काफ़ी सारे भगवान की मूर्ति है और मंदिर है। और मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पे हवन कुंडी है जहाँ पूजा अर्चना भी होती है, और ये नरसिंह देवता के मूर्तियाँ और ये राधा कृष्ण भगवान, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भगवानों के मूर्तियाँ हैं स्थापित की गई हैं, और उसके अलावा मेन मंदिर शिव जी का, महादेव का। जय महादेव।
नंदी महाराज जल्दी चढ़ा सकते ना दिन हो गया 12 बजे जल्दी चढ़ाते ना अब समय हो गया ना 12 बज गए कोई आवाज नहीं आया है शिव जी के मंदिर है तो शिव जी का खाना खाते हैं ना शिव के कैलाशों की वासी के राजा शंकर संकट हरणा शंकर संकट हरणा शिव के नाशों के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरणा शंकर संकट हरणा एक कांडे रा तेरा चंबेरे चौगाना एक पांडेरा तेरा चंबेरे चौगाना तुझा लाई तिता भर मोरा ओ बोले बाबा तुझा लाई तिता भर मोरा शिव कैलाशों के वासी धौली धा रो के राजा शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा अभी वीडियो बना दिया लॉबर्ट्स अब मेरी गाली मत दे उसने आधे से ज्यादा वेट तो अपने ऊपर पकड़ के वो नीचे बैठा रहे हैं काले मैं उठा लेता हूं इसको छोड़ दे रज्जो को थक गया मैं थक गया जल्दी कार बस तो अब हम नीचे जाते हैं ही कॉलेज तेरे आगे हम नीचे की तरफ जाते हुए तो हम नीचे की तरफ जाते हुए जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ अब बहुत थकान हो चुकी है यहाँ से ऊपर आते हुए काफ़ी थकान हुई बैठे मस्ती की फ़ोटो वोटो खिंचाई और हम जा रहे हैं और वो है चौरा हाँ और अगेन हम यहाँ से आ गए हैं यही गांव है खोली गांव खोला खोला गांव बैठना नहीं है जवानो भागो चला क्या बनवा क्या बनाऊ मैं बोलेगा तू तो गाइस हम जा रहे हैं नीचे की तरफ सोनास की तरफ वापस और हम बहुत थक चुके हैं और भूख भी बहुत भयंकर लग रही है और देखते हैं पीयूष ने शायद हम लोग लिए फ्राइड राइस बचाए होंगे दिन का खाने का तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ये लेडी रोज स्वेच्छा का बैग है तो ऐसे बनाना ब्लॉग मैंने बोला ऐसे कैसे पूरा ब्लॉग देखा मैंने बोला इसमें क्या हम नीचे ही पहुँच गए हैं बस पहुँचने वाले हैं ये लोग थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं और रिक्वेस्ट आ कि बोले
सब्सक्राइब करे अनवा चैनल के नित्र कंडाल रखे मेरे ए माँ जी लोग अपना बड़ा वैग चैनल सब्सक्राइब करे ठीक ठीक धन्यवाद आदर है अरे ये सस्ता अपना यूट्यूबर है इसलिए सस्ता है अरे आदर है अरे भाइयों ये अपना सस्ता यूट्यूबर है इसलिए कर दिए सब्सक्राइब हरियाणा वाले सारे रिक्वेस्ट है रचित पवार नाम था इसका आईडी है और इसके ब्लॉग चेक कर लियो कर दिए सब्सक्राइब यार भाई है इसका चैनल सब्सक्राइब करा वरना लिट्टी चोखा खिला तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चौरास पुल थक गए हैं वहाँ से पता नहीं कहाँ पता नहीं बहुत ऊपर था और उसके बाद हम चौरास पुल पहुँच गए और चौरास पुल से हम सीधा सीधा जा रहे हैं HNB की तरफ बहुत थक गए हैं बहुत ही ज़्यादा थकान हो ही जाती है भूख भी लग रही है अब जबकि बहुत खा लिया उसके बाद भी भूख लग रही है तो ये थी हमारी आज की ट्रिप जिसमें मैंने आपको दिखाया हमारा इतना सुंदर सा टेम्पल अष्टवक्र टेम्पल में हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की बहुत मज़ा आया हमें वहाँ हमने फ़ोटो वोटो भी बहुत सारी खिंचाई और इसके अलावा अब हम जा रहे हैं HNB और यही था मेरा व्लॉग तब तक ही लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और ये देखिए ये सारे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बहुत सारे लाइक्स करो और फैला दो तब तक के लिए धन्यवाद बाय।